हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुका था, 4 लेक्चर आ चुके थे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे। तो जो लोग अभी तक प्रीवियस ईयर का पार्ट नहीं देखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वो पहले जाएं एके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे और पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपलोड हो चुके हैं उसको आप अच्छी तरीके से देख ले, तब इस वीडियो पे आएं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे तब तक आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो देख लिए होंगे, इसके पहले वाले वीडियो सारे देख लिए होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले वो वीडियो देख लें, तब इस वीडियो पे आए। ओके, चलो तो थोड़ी सी बात कर लें हम अभी कि हमने अभी तक क्या क्या बात कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 1 वाले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट देखा था और उनका फॉर्मूला देखा था। पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पार्ट 2 वाले चैप्टर्स, पार्ट 2 वाले वीडियोस में हमने एक डेरिवेशंस किया था, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, थर्ड पार्ट में हमने न्यूमेरिकल किया था और फोर्थ पार्ट जो कि इसके जस्ट प्रीवियस वाला पार्ट था उसके अंदर हमने एक बहुत सुंदर सा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजिशंस पर और अनएक्सियल पोजिशंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट होने वाला है और वो टॉपिक हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और इस टॉपिक से कई बार बोर्ड एग्जाम्स में, इनफैक्ट कई बार IITs नीट वगैरह में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो बहुत सुंदर सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? तो आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच हम लोग रिलेशंस निकालेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ई वेक्टर, और पोटेंशियल हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल्स के बीच हम लोग रिलेशंस निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स सुंदर सुंदर सा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, कीप वॉचिंग यूट्यूब एके साइंस क्लासेस चैनल। तो स्टार्ट कर रहे हैं और फटाफट आप लोग हेडिंग डाल लें, और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर इसी टॉपिक पे चलेगा। ओके, तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशंस, किनके बीच रिलेशन हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी के बीच हम लोग रिलेशंस निकालेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप लोग हेडिंग फटाफट डाल लें। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो आपने हेडिंग डाल लिया होगा। ओके, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज का ये पूरा लेक्चर्स बहुत आराम से चलने वाला है। ओके, तो बिल्कुल आराम से आप लोग नोट्स पेन कॉपी ओपन करके आप बैठ जाओ और बोर्ड के ऊपर कंसंट्रेट करो। ओके, तो हम लोग रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हम लोग रिलेशंस निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की रिलेशंस निकालेंगे। देखो यहाँ पर दो केसेस की बात होती है। कितने केसेस की बात होगी? दो केसेस की बात होगी। देखो अगर हम बात कर लें कि किसी पॉइंट पर कि कोई हमारा पॉइंट चार्ज क्यू है,
लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू और इससे आर डिस्टेंस पर, इससे आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी रखा गया है, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता था। और वही अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला की बात करें, किसकी फॉर्मूला की बात करें, पोटेंशियल की फॉर्मूला की बात करें, तो क्या होता था? एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर होता था। एक आर का ही तो फर्क है, लेकिन हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी होता था और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इतना तक तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? तो एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, ये तो हमने डिराइव किया इसी चैप्टर के अंदर, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी, हमें इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, यानी ई वेक्टर और वी के बीच हमें रिलेशन निकालना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो यहां पर हम दो केसेस की बात करेंगे। कितने केसेस की बात करेंगे? दो केसेस की बात करेंगे। दो केसेस में हम लोग, यानी दो केस में हम लोग रिलेशंस निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, मतलब दो केसेस लिया जाएगा वन बाई वन करके। अब ये दो केसेस में हमें दो केसेस कौन सा लेना है? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग लेना है दो केस। यानी पहला केस में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और दूसरे केस में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। यानी दोनों केसेस के लिए हम लोग रिलेशंस निकालेंगे ई वेक्टर और वी के बीच। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग दो केस लेंगे, एक केस लेंगे केस फर्स्ट, यहां से दो केसेस पॉसिबल है, टू केसेस पॉसिबल है। पहला केस में हमारा, केस फर्स्ट में हमारा क्या होगा? तो केस फर्स्ट में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। क्या लेंगे? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसीडर करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। ओके, और दूसरा केसेस में हम लोग केस टू में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम दो केसेस में इस रिलेशंस को निकालेंगे वन बाय वन करके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज का लेक्चर्स में हमारा ये पूरा क्लास, पूरा लेक्चर, पूरा वीडियोस में हमारा रिलेशंस ही चर्चा होगा। रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हम लोग रिलेशंस निकालेंगे दो केसेस में। एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाएगा, और दूसरे केसेस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच जो रिलेशंस निकालेंगे वो दो केसेस में निकालेंगे। एक केसेस होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केसेस, और दूसरा केसेस लेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग फर्स्ट केस पे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम है, इसको हम रफ कर रहे हैं। चलो, तो हम लोग केस फर्स्ट ले रहे हैं, और केस फर्स्ट में सबसे पहले लेंगे केस फर्स्ट में हम लोग लेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग फर्स्ट केस के लिए रिलेशंस निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स डिफरेंस के बीच में। ओके, ये जब निकल जाएगा, इसके ऊपर दो तीन न्यूमेरिकल कर लेंगे अच्छे, तब हम लोग सेकेंड केस की बात करेंगे, सेकेंड केस को पढ़ाएंगे, उसके बाद उस पर भी एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, और आज का ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा लंबा होने वाला है ये लेक्चर, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर और पेशेंस रखकर आप इस लेक्चर्स को देखना। ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये लेक्चर सेकेंड वीडियो में भी, यानी नेक्स्ट पार्ट में भी यही टॉपिक आगे चले। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नए टॉपिक से मिलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के अंदर। ओके, तो ये पूरा जो हमारा रिलेशंस है, हम चाहते हैं कि आज का वीडियो में ही ये निपट जाए। ओके, तो हम लोग फर्स्ट केस में ले रहे हैं। अब देखो, सभी लोग जानते हो
कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द्वारा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो हम यहां पर कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल एंड ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना लैंग्वेज हमने लिखा, ये लैंग्वेज बड़ा आराम से आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे और उसके अंदर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को रखेंगे। ओके, तो इतना काम हम लोग लैंग्वेज में कर लिए, अब इसको हम लोग बिल्कुल डायग्राम के थ्रू इसको दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर एंड ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट प्लेस्ड इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पैरेलल लाइन द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट चार्ज कहीं भी ले लो, मान लेते हैं ये यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, यानी हमने जो लैंग्वेज में लिखा उस लैंग्वेज को हमने डायग्राम से शो कर दिया कि हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को रख दिया। मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पर हमारा क्यू नॉट रखा है उस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान देना, क्या ध्यान देने वाली बातें हैं कि आप सबको पता है हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ाया था और वहां पर हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है, तो हमारा पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अब किस डायरेक्शंस में लगाता है, तो पॉजिटिव अगर चार्ज पार्टिकल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में ही उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जबकि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो उस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस के अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है। ये हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा रखा है। तो आप ये बताओ कि इस क्यू नॉट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेंगे वो किस डायरेक्शंस में लगेगा, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का होता है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वो लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा Fe, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने के बराबर होगा, तो हम जानते हैं E वैक्टर बराबर F वेक्टर बटा क्यू नॉट। तो यहां से F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। तो यहां से Fe वेक्टर बराबर क्या आ गया, क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। यानी इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर लग रहा है। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम बी पॉइंट पर लाना चाहते हैं। ये बात हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में बताया था। अरे भाई, तो हम लोग भी तो रिलेशंस किसके बीच निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच निकाल रहे हैं। समझना बात को, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच ही तो
रिलेशंस निकाल रहे हैं ना, तो जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होगा, और किसका कॉन्सेप्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, याद करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर पहला पार्ट जो हमारा आया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया था। तो उसके अंदर हम तो यही तो बताए थे ना कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब ले जाया जाता है तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, किसके अगेंस्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। और वही एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता था, याद होगा। तो वही चीज तो हम यहां पर ले रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और यही एक्सटर्नल वर्क डन जो हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, वही हमारा एक्सटर्नल वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट वन वाले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो अब ये बताओ कि ये जो हम यहां से क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब हम लाना चाहते हैं तो किसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। सारा कुछ हमने पहले वाले पार्ट में हमने ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाकर एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे। और वही एक्सटर्नल वर्क डन हमारा क्या होगा, तो वही एक्सटर्नल वर्क डन हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हम लिखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां फॉर्मूला होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, यानी हमारा ए हो गया इनिशियल पॉइंट, ए हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और बी हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारा वी बी और इनिशियल हमारा वी ए, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बटा क्यू नॉट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आई होप आपको ये सब पहले से पढ़ा हुआ है, हमने पहले से पढ़ा रखा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी चाहिए। तो एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी चाहिए तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए होगा वर्क डन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल वर्क डन बराबर एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जो हमारा वर्क डन होता है वो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आता है, और वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिलता है। यानी यहाँ एक्सटर्नल फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हमारा एक्सटर्नल वर्क डन मिलेगा। अब देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैसे आएगा। देखो अब एक्सटर्नल फोर्स हम कहां से लाएंगे, अरे ये भी हम बता चुके हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल ही होगा। यानी जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके अपोजिट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट है। तो अपोजिट करने के लिए केवल एक माइनस साइन दे दें तो हमारा
इफ एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा, तो इफ एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चीज का यूज हमने पहले भी इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कर रखा है कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होगा। तो अपोजिट होगा तो एक निगेटिव साइन ही तो आएगा ना, यानी एफ एक्सटर्नल इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एफ एक्सटर्नल वैक्टर बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर आ जाएगा। तो यहां से एफ एक्सटर्नल हमें निकल गया, क्या मिल गया, तो माइनस क्यू नॉट इंटू ए, माइनस क्यू नॉट इंटू ई, तो माइनस क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ध्यान से देखना, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट, इसको भूलना मत, ये डॉट प्रोडक्ट है, इंटू नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है ये। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं डेल्टा आर वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेते हैं डेल्टा आर वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या मान लिया डेल्टा आर वेक्टर, हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट को, ध्यान रहे हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या माना, हमने डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर वेक्टर माना। और ये डेल्टा आर वेक्टर किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में होगा, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को ए से बी की ओर ले जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में ले जा रहे हैं। तो डेल्टा आर वेक्टर का भी डायरेक्शंस किधर होगा, तो डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शंस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा आर वेक्टर हो गया। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकल गया, क्या आया माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। ओके, अब ये कैसे आया, यहां से आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन है वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके अपोजिट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आ गया, इसलिए हमें एफ एक्सटर्नल फोर्स निकल गया माइनस क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। अब हमें वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकल गया माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वैक्टर। ओके, अब इस वर्क डन को हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम थोड़ा लैंग्वेज इसको मिटा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ओके, चल तो यहां क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी रखेंगे, तो यहां से क्या आ गया, तो यहां से वी वी माइनस वी ए है। एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या आया है, तो माइनस क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। देख सकते हो आप क्यू नॉट से क्यू नॉट यहां कट गया, तो बचा क्या, तो यहां बचा वी वी माइनस वी ए बराबर माइनस ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, माइनस ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। अब ये क्या है, देखो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, वी वी माइनस वी ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये है क्या, ये दिस इज अ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये हमारा फाइनल पोटेंशियल ही तो है, ये हमारा क्या है फाइनल पोटेंशियल माइनस ये हमारा क्या है इनिशियल पोटेंशियल। और फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है, ये हमने फिजिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11 के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जब भी फाइनल माइनस इनिशियल किसी के भी आगे लग जाए, इसका मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग चेंज होता है, क्या होता है चेंज। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस यहां क्या हो जाएगा, उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो वी वी माइनस वी ए को क्या लिख सकते हैं, तो वी वी माइनस वी ए को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी। क्यों, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मतलब वी वी माइनस वी ए, तो डेल्टा वी यानी वी वी माइनस वी ए को क्या लिख सकते हैं, तो वी वी माइनस वी ए को हम लोग डेल्टा वी लिख सकते हैं, और डेल्टा वी किसके बराबर आ गया, तो माइनस ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वैक्टर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ई वैक्टर एंड वी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको ये डेरिवेशंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और केस फर्स्ट के लिए हमने डेरिवेशंस, हमने रिलेशंस निकाल लिया किसके किसके बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच हमने फर्स्ट केस के लिए यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या रिलेशंस निकाला, तो रिलेशन निकाला डेल्टा वी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यानी डेल्टा वी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। आई होप आपको केस फर्स्ट के लिए रिलेशन समझ में आ गया होगा। और जो हमारा फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा वी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, वेयर डेल्टा वी इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ई इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आई होप आपने ये लेक्चर नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, हम इसको रफ कर रहे हैं। चलो, ओके, तो अभी अभी हमने केस फर्स्ट के लिए यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशंस निकाला, तो रिलेशन निकाला डेल्टा वी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। देखो, न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग कई बार निगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म में लेंगे, किसके टर्म में लेंगे, मैग्नीट्यूड के टर्म में, और मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा वी का मोड इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा वेक्टर। तो हम न्यूमेरिकल बनाते समय इसका भी यूज़ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा निगेटिव साइन को छोड़कर हम मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, तो डेल्टा वी का मोड इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कभी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो आपको ये बताएंगे कि आप निगेटिव साइन को कंसीडर ना करके, फॉर्मूला में तो आपको लिखना पड़ेगा, पर हम कई बार न्यूमेरिकल बनाते समय ये चीज हम लोग निकालेंगे, और ये माइनस साइन डायरेक्शन बताता है। एक्चुअली में यहाँ पर निगेटिव साइन जो आ रहा है ना, वो डायरेक्शंस बताने का काम कर रहा है, तो हम डायरेक्शंस न्यूमेरिकल देखकर बता लेंगे, हम निगेटिव पॉजिटिव साइन के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल देखकर डायरेक्शंस बताएंगे। यानी हम लोग ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे, और जो डायरेक्शंस होगा हम बता लेंगे कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, वो बहुत आसान मेथड से हम आपको बताएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे, बस एक पॉइंट की चर्चा करेंगे नोट में, जो आपका जीवन बदल देगा, यानी न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये पॉइंट। ओके, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस नोट वाले पॉइंट को समझना है। देखो, हमने अभी बोला कि ये नोट वाला पॉइंट आपके जीवन को बदल सकता है, क्या, कैसे, कब, आपको पता चल जाएगा। पहले ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो समझ लेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, फॉर्मूला तो कई लोग निकाल लेते हैं पर इस पॉइंट को वो भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं, कई टीचर नहीं 95% टीचर इस पॉइंट को वो स्किप कर देते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, पर दिस इज द मोस्ट बीवीआई पॉइंट इन दिस लेक्चर्स। ओके, चलो अब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को पहले समझाते हैं तब बोर्ड पर लिखते हैं। देखो, पॉइंट ये है कि किसी पॉइंट चार्ज से जैसे सुनना ध्यान से, क्या है ये पॉइंट, किसी पॉइंट चार्ज से या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, ध्यान रखना, किसी पॉइंट चार्ज से या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जैसे जैसे
इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान घटता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि किसी पॉइंट चार्ज से या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। चलो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, क्या है ये पॉइंट, तो पॉइंट ये है, हमने क्या बोला कि चलो पहले हिंदी में ही लिख लेते हैं, किसी पॉइंट चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जैसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दूर जाते हैं वैसे 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 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब घटता है, डिक्रीज होता है, घटता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है या फिर घटता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इस पॉइंट को थोड़ा फील करवाते हैं, चलो इंग्लिश में भी इस पॉइंट को लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ये जो पॉइंट हमने लिया नोट में, इस पॉइंट को हम लोग इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। ओके चलो, व्हेन व्हेन वी मूव, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेज, इज ऑलवेज डिक्रीजेज, इज ऑलवेज डिक्रीजेज। ये पॉइंट आपको हमेशा और हमेशा इस चैप्टर में आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके आप वीडियो पॉज करके पहले इस पॉइंट को लिख लो, अब इस पॉइंट को हम लोग फील करते हैं और देखते हैं कि ये बात में कितना सच्चाई है। ओके देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज Q है और इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट मान लेते हैं P है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस बाहर की ओर आ रहा होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ओके अब देखो कि मान लेते हैं इस, यहां से यहां तक मान लेते हैं कि यहां से यहां एक मीटर है डिस्टेंस, यहां से यहां दो मीटर है, यहां से यहां तीन मीटर है, कितना मीटर है, तीन मीटर है। हमने तीन चार पॉइंट और ले लिया, जैसे ये पॉइंट हमारा जो पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है वो ए पॉइंट पर है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। अगर हम ए पॉइंट पर, अगर हम बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले क्यू चार्ज के कारण तो कितना होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, के, के किसके जगह पर, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर, के क्यू बटा आर, आर कितना हो जाएगा वन। ये कहां पर निकाल रहे हैं, बी पर निकाल रहे हैं। अगर यही चीज हम सी पर निकालें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना है, यहां ये सॉरी एक मीटर का ये भी है, एक मीटर का ये, सब एक एक मीटर का है, यानी
ए से बी भी एक मीटर है, बी से सी भी एक मीटर है और सी से डी भी एक मीटर है। ओके, अब हम बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, के क्यू बटा वन। अब हम सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो के क्यू बटा इस चार्ज के कारण यहां तक का टोटल डिस्टेंस लेंगे तो वन प्लस वन तो क्या हो जाएगा टू। अगर हम डी पॉइंट पर निकाले, डी पॉइंट पर निकाले तो डी पॉइंट पर क्या हो जाएगा के क्यू बटा यहां से लेकर डी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन थ्री। अब तुम यहां देखो कि जैसे 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 हम पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। देख लो, देख लो, पहले ये बड़ा था फिर छोटा हुआ और छोटा हुआ। के क्यू बटा वन, के क्यू बटा टू, के क्यू बटा थ्री में कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है ना, बी वी सबसे बड़ा हो गया, वी सी इससे छोटा हो गया और सबसे छोटा वी डी हो गया। तो तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट नोट वाला अच्छे से फील हो गया होगा, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, तो आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर रहे हम। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थे वो आपको हमने लिखवा दिया, उसको फिल करवा दिया। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा यूनिट पर बात कर लें। यूनिट किसका, तो हमें पोटेंशियल का यूनिट पता है वोल्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पता है मीटर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सर यूनिट पता है, सबका तो यूनिट पता है, तो फिर किसका यूनिट निकालोगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या जानते थे पहला चैप्टर में, न्यूटन पर कूलम, क्या जानते थे, न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता था। आज हम एक नए यूनिट से मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया भी यूनिट होगा और वो यूनिट यहाँ से आएगा। यानी अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो एक तो न्यूटन पर कूलम होता था, न्यूटन पर कूलम कैसे आता था, तो हम पढ़े थे पहले वाला चैप्टर में एफ बराबर ई वैक्टर बराबर एफ वैक्टर बटा क्यू नॉट, तो एफ वैक्टर हो गया न्यूटन और हमारा चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, तो यहाँ से आया था न्यूटन पर कूलम। तो एक यूनिट तो हमारा ई वेक्टर का हम पहले से जानते थे न्यूटन पर कूलम, और एक और नया आज यूनिट सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, नया यूनिट सीखेंगे और वो क्या होगा। तो यहाँ से देखो, ये हो गया हमारा वोल्ट में, इसका यूनिट किस में हो गया वोल्ट में, किस में हो गया वोल्ट में, और ये हमारा किस में हो गया, तो ये हमारा मीटर में हो गया। तो ई वेक्टर का यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ये बटा में आ जाएगा, तो एक नया यूनिट आ गया वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट से अभी तक आप रूबरू नहीं थे, इस यूनिट को आप अभी तक नहीं पढ़े थे, नहीं स्टडी किए थे, फर्स्ट टाइम ये यूनिट हमारे सामने आया है और इस यूनिट का यूज हम इस न्यूमेरिकल में कई जगह पर करेंगे। ओके, तो आपको एक और नया यूनिट पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पहले आप न्यूटन पर कूलम जानते थे और इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट हमने सीखा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कौन सा यूनिट सीखा, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसको रफ कर रहे हैं और केस फर्स्ट हमारा हो गया। अब इसके ऊपर कुछ दो तीन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अच्छा अच्छा सुंदर सा, उसके बाद हम लोग केस टू के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, तो हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप फटाफट हेडिंग डालो। चलो, तो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं केस फर्स्ट के लिए, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, डेल्टा वी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। इस फॉर्मूले के ऊपर, यानी केस फर्स्ट वाले रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला के ऊपर हम लोग दो तीन फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद सेकेंड केस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर चलेंगे। ओके, तो एक बहुत सुंदर सा हम लोग न्यूमेरिकल ले रहे हैं, आप लोग फटाफट वीडियो पॉज करके आप हेडिंग डाल लो, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डेल्टा वी बराबर माइनस ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वैक्टर। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमें पहला न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं, बहुत सुंदर सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। दो पैरेलल प्लेट हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दो पैरेलल प्लेट दिया गया है, दो पैरेलल प्लेट दिया गया है, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट दिया गया है। एक प्लेट का नाम रखा गया है ए और दूसरे प्लेट का नाम रखा गया है बी। एक प्लेट का नाम ए है और दूसरे प्लेट का नाम बी है। दोनों प्लेट चार्ज्ड प्लेट है, दोनों प्लेट चार्ज प्लेट है। अब प्लेट ए का जो पोटेंशियल दिया है वो दिया है 20 वोल्ट, कितना दिया है 20 वोल्ट दिया है, यानी प्लेट ए का पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट। दोनों प्लेट चार्ज प्लेट है, दोनों प्लेट क्या है चार्ज प्लेट है, दोनों प्लेट हमारा चार्ज प्लेट है। ओके, पहला प्लेट जो ए है उसका पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट प्लस में, प्लस 20 वोल्ट, और हमें बोला गया है पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं, VA से करेंगे ना, तो हमारा दिया गया है ए प्लेट का पोटेंशियल दिया है प्लस 20 वोल्ट, और हमसे पूछा गया है कि बी प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, बी प्लेट का पोटेंशियल निकाले। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आ गया होगा। और क्या दिया है, और दिया है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी बराबर दिया है 2 मीटर, डी बराबर कितना दिया है 2 मीटर दिया है, 2 मीटर दिया है, और हमसे निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्लेट, ऑफ प्लेट बी, ऑफ प्लेट बी दैट इज VV हमें निकालना है, क्या निकालना है VV। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दो पैरेलल प्लेट दिया गया है, दोनों पैरेलल प्लेट एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, दोनों पैरेलल प्लेट चार्ज प्लेट है, पहले प्लेट ए का पोटेंशियल दिया है प्लस में 20 वोल्ट, और हमें दूसरे प्लेट का पोटेंशियल निकालना है। ओके, हम इस फॉर्मूले का यूज करके बनाएंगे, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल को आप नोट डाउन कर लो। ओके, फिर हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल लिख लिया होगा। अब एक न्यूमेरिकल देखो कि हम इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। ओके, बहुत ही सिंसियरली आप लोग बोर्ड के ऊपर देखना। ओके चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। हमें बी प्लेट का पोटेंशियल निकालना है, बी प्लेट का पोटेंशियल निकालना है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा वी बराबर माइनस ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वैक्टर, ई वैक्टर माइनस ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वैक्टर, माइनस ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा वैक्टर। ओके, तो डेल्टा वी क्या है, तो डेल्टा वी फॉर्मूला हमने यूज कर लिया माइनस ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वैक्टर। हम ज्यादातर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जैसा कि हम पहले बताए, तो मोड डेल्टा वी वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो हम पॉजिटिव बनाकर इसको ले लेंगे, यानी डेल्टा ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वैक्टर, यानी प्लस बनाकर ले लिया, या चलो माइनस में ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम माइनस में ही रहने देते हैं इस न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, हम लोग पॉजिटिव लेकर बनाएंगे। ओके चलो, तो इसमें एक चीज और क्या दिया है, एक चीज दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है जो हमसे छूट गया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए प्लेट से बी प्लेट की ओर है, ए प्लेट से बी प्लेट की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है जो हमसे मिस हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जिसका डायरेक्शन ए प्लेट से बी प्लेट की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमारा 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10 न्यूटन पर कूलम, और जिसका डायरेक्शन प्लेट ए से प्लेट बी की ओर है। ओके चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर ए से बी की ओर चल रहे हैं, ए से बी की ओर है ना, ए से बी की ओर, तो वी वी माइनस वी ए होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ए से बी की ओर बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ए से बी की ओर जा रहा है, तो फाइनल हमारा बी हो गया,
तो बी वी माइनस वी ए बराबर ये ई वैक्टर ई वैक्टर ई वैक्टर यानी माइनस ई वैक्टर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट पे तोड़ेंगे इसको, किस पर तोड़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और वी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 10 और डेल्टा आर ही तो 2 मीटर है तो ये है 2 और कॉस 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 थीटा कितना होगा, तो यार ये बताओ कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर, यानी थीटा जो एंगल है वो किसके किसके बीच का एंगल है, ई वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर के बीच का एंगल है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है और डेल्टा आर वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है क्योंकि ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो डेल्टा आर वेक्टर का भी डायरेक्शन ए से बी की ओर है और ई वेक्टर का भी डायरेक्शन ए से बी की ओर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। हम यहां लिख देंगे ई वेक्टर, चूंकि ई वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर आर सेम देन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ रखो तो यहाँ हो जाएगा वी भी तो निकालना ही है माइनस वी ए कितना दिया है 20 वोल्ट, तो 20 रख देंगे यहाँ पर बराबर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 10 दुना 20 हो गया 20 इंटू कॉस 0 डिग्री हो गया ओके, तो माइनस 20 गुना कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा तो वी माइनस 20 बराबर माइनस 20 ओके, तो यहाँ से वी निकालना है ना, तो ये माइनस 20 और ये माइनस 20 इधर आकर प्लस 20, तो माइनस 20 प्लस 20 क्या हो गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, यानी हमारा जो आंसर आया वो 0 वोल्ट आया। यानी आप देख सकते हो कि प्लेट ए का पोटेंशियल दिया था 20 वोल्ट और बी प्लेट का पोटेंशियल निकालना था तो कितना आया 0 वोल्ट आया, कितना आया 0 वोल्ट। आपको आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज जो हमने नोट में एक पॉइंट बताया था उस पॉइंट का यूज यहां पर कैसे होगा, तो उस पॉइंट का यूज करके भी हम इस चीज को समझाते हैं। चलो पहले इसको आप लिख लो, उसके बाद हम जो नोट वाला पॉइंट आपने बताया उस पॉइंट को यूज करके भी इस न्यूमेरिकल को हम बना सकते थे ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो हमने डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला माइनस छोड़कर लिखेंगे प्लस में, तो ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर हम इससे बना रहे हैं, तो ई वेक्टर कितना दिया है 10 इंटू डेल्टा आर कितना दिया है 2 और इंटू कॉस 0 ओके, तो 10 दुना 20 गुना 1 बराबर 20, ये डेल्टा वी हमारा क्या आ गया 20 वोल्ट, डेल्टा वी हमारा क्या आ गया 20 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी कितना वोल्ट आया 20 वोल्ट आया। अब आप सोचो कि इनके बीच इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया है, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी, वो कितना आया 20 वोल्ट। आप अब ये सोच सकते हो, ध्यान से समझना, ये सोच सकते हो कि यहां पर दो तरीका है प्लेट बी का, यानी वीवी निकालने का दो तरीका है, वीवी निकालने का कितना तरीका है दो तरीका, वीवी क्या क्या हो सकता है आप ध्यान से सोचो। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया डेल्टा वी बराबर 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, जिसमें कि पहले प्लेट का पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट और दूसरे प्लेट का पोटेंशियल निकालना है, और जबकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आया, पहले प्लेट का पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट तो दूसरे प्लेट का पोटेंशियल निकालना है, हम इस चीज का यूज करेंगे। अब देखो नोट में जो हमने पॉइंट पढ़ाया उस पॉइंट का यूज करो, आप अब ये देखो कि वीवी निकालने के लिए यहां पर दो ऑप्शन है, आप बताना ये दो ऑप्शन में से कौन ऑप्शन होगा सही। आप ध्यान से देखो
पहले प्लेट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, पहले प्लेट का पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है, हमें दूसरे प्लेट का पोटेंशियल निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 है। तो आप ये देखो, आप सिंपल सी बताओ कि जैसे जैसे दो ऑप्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 कैसे आया, पोटेंशियल डिफरेंस के 20 आने का यानी पोटेंशियल डिफरेंस के 20 आने का रीजन क्या रहा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के 20 आने का रीजन ये रहा होगा कि जो हमारा वीवी है, वीवी या तो हमारा 40 वोल्ट रहा होगा या फिर वीवी हमारा 0 वोल्ट रहा होगा। कितना वोल्ट रहा होगा? 0 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आने का रीजन क्या रहा होगा, जबकि पहले पहले प्लेट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, या तो वीवी 40 वोल्ट रहा होगा या तो वीवी 0 वोल्ट रहा होगा। तभी तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तभी तो 20 आएगा। 40 इसका 40 रहा होगा, ये 40 रहा होगा, ये क्या रहा होगा 40 वोल्ट, तभी तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, या फिर 0 वोल्ट रहा होगा तभी तो 20 में से 0 माइनस करेंगे तब भी तो हमें 20 मिलेगा। तो दो आंसर हो सकता था इसका, 40 वोल्ट भी इसका आंसर हो सकता था बी प्लेट का पोटेंशियल, और 0 वोल्ट भी हो सकता था। तो पहले मेथड से कितना आया था 0 वोल्ट, इस मेथड से भी 0 वोल्ट आएगा। अब नोट वाला पॉइंट को आप यहां यूज करो। हमने नोट में पॉइंट क्या पढ़ाया है कि जब किसी पॉइंट चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बढ़ेगा। अब आप खुद डिसाइड करो कि वीवी का आंसर 40 वोल्ट आना चाहिए था या वीवी का आंसर 0 वोल्ट आना चाहिए था। ऑफकोर्स 0 वोल्ट आना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से या किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले से घटेगा। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर 20 वोल्ट है। अब जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो घटना चाहिए ना, तो 20 से घटकर क्या हो गया होगा, तो यहां तक आते आते 0 हो गया होगा, तभी तो हमारा आंसर 0 होगा। बढ़ेगा थोड़े ना, जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। तो 20 था पहले, तो 20 से तो कम ही होगा ना इधर, तो 20 से कम कितना होगा 0, ना कि 40। तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा कि हमारा इस मेथड से भी आंसर कितना आया 0 वोल्ट आया। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो इसको हम रफ कर रहे हैं और एक और न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम लोग। आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो एक और सुंदर सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। बहुत सुंदर सा न्यूमेरिकल है, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है, और ऐसे न्यूमेरिकल आपके एवीसी बुक के अंदर भी है, एसी वर्मा बुक के अंदर भी ऐसे न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से सुनना। सेकंड न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 20 वोल्ट पर मीटर, ये दिया है 20 वोल्ट पर मीटर। हमने यूनिट देखा कि एक न्यूटन पर कूलम भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, और एक होता है वोल्ट पर मीटर, तो इस बार दिया है वोल्ट पर मीटर। ओके, तो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 20 वोल्ट पर मीटर। अब क्या बोला गया है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक स्क्वायर रखा गया है, क्या रखा गया है, एक स्क्वायर रखा गया है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक स्क्वायर रखा गया है ए बी सी डी। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक स्क्वायर रखा गया है ए बी सी डी, जिसका प्रत्येक भुजा एक मीटर है। एक मीटर ये भी है, एक मीटर ये भी है, एक मीटर ये भी है, और एक मीटर ये भी है। ओके, न्यूमेरिकल सुनना, क्या है न्यूमेरिकल, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर रखा है ए बी सी डी, जिसका प्रत्येक साइड 1 मीटर है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड हमसे पूछा जा रहा है, इनमें चार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड। ओके, तो हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट हमने लिख दिया बोर्ड के ऊपर। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसका प्रत्येक साइड 1 मीटर का है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दिया है 20 वोल्ट पर मीटर। हमें इसके अंदर चार क्वेश्चंस पूछा गया है, हमें पूछा गया है वी वी माइनस वी ए पूछा गया है, वी ए माइनस वी डी पूछा गया है, वी डी माइनस वी सी पूछा गया है और वी सी माइनस वी ए पूछा है। ओके, आप वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल को लिख लें और ट्राई करें खुद से कि आप कर पाते हैं कि नहीं। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन एंड यू विल ट्राई इट सेल्फ। ओके, चलो आपने ट्राई किया होगा, अब हम लोग इसको करेंगे, है ना। आप लोग चेक करना कि आप सही कर पाए हो या गलत। तो वन बाई वन करके हम चारों का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वी वी माइनस वी ए ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वी वी माइनस वी ए। ओके, इसका सॉल्यूशन हम फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, डेल्टा वी का मोड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो डेल्टा वी का मोड का फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर पॉजिटिव मिलेंगे, ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। ये ध्यान देना, हम डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, पॉजिटिव वाला। ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। अब देखो ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, तो यहां से ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर को तोड़ो तो ई वेक्टर इनटू डेल्टा आर इनटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होगा। अब ध्यान से देखना ई कितना दिया है, तो ई दिया है 20, डेल्टा आर तो यही होगा ना। देखो ना, हमें ये वाला निकालना है, ध्यान से देखना, वी वी माइनस वी ए, यानी वी वी माइनस वी, हमें ये वाला चीज निकालना है, ये वाला चीज, ध्यान से सुनना, ये वाला चीज। तो इनके दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना दिया, एक मीटर, तो डेल्टा आर बराबर हमारा क्या हो गया, तो डेल्टा आर बराबर हमारा हो गया एक गुना कॉस। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ जीरो क्या होगा, यहाँ मतलब कहने का मतलब थीटा क्या होगा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर। अब बताओ कि ई वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही है, मतलब ई वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर है और ए से बी जा रहे हैं, तो डेल्टा आर वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है, यानी ई वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा हमारा जीरो डिग्री हो जाएगा। कॉस जीरो वन होगा, यानी 20 गुना 1 20, ये क्या हो जाएगा, 20 गुना 1 गुना 1, तो ये क्या हो जाएगा 20 वोल्ट आया हमारा, यानी डेल्टा वी हमारा कितना आ गया 20 वोल्ट। अब ये हमारा आंसर नहीं हो गया, अभी देखना है कि ये निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में, हमने तो इसको पॉजिटिव मानकर बनाया। अब ये हमारा एजम्पशंस सही है या गलत है वो देखते हैं, ये रियलिटी में पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा वो हम कैसे पता करेंगे। तो ध्यान से सुनना, हम एक बार बता देते हैं, आप क्वेश्चंस में उसको खुद से अप्लाई करना। तो देखो हम नोट वाला पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, हम क्या जानते हैं कि किसी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। तो आप ये बताओ कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं, वी वी माइनस वी ए निकाल रहे हैं, यानी ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब बताओ हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, हम ए से बी की ओर जा रहे हैं ना, तो हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो बताओ ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। सिंपल बताओ कि आप ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब वी ए ज्यादा होगा कि वी वी ज्यादा होगा। अरे ये नोट, जिसने नोट वाला पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जिसको, वह बच्चा बच्चा बता देगा कि हमारा जो वीवी वाला, जो हमारा बी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो कम होगा और ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज से हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। तो इससे दूर जा रहे हैं ना हम, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, यानी हम यहां से ये बोल सकते हैं कि हमारा जो वीवी होगा वो वीवी छोटा होगा, किससे छोटा होगा, वीए से छोटा होगा, वीवी वीए से छोटा होगा, वीवी वीए से छोटा होगा। ध्यान से समझना, वीवी किससे छोटा होगा, वीए से। कैसे? नोट वाला पॉइंट यूज करेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा रहेगा और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम रहेगा, यानी ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम। अब यहाँ देखो हमें निकालना क्या था, वी वी माइनस वी ए, यानी हमने कम में ज्यादा निकालना है। देखो ना, कम में ज्यादा, चूंकि वी वी कम है, यानी वी वी छोटा है और वी ए बड़ा है, यानी छोटा में बड़ा को माइनस करेंगे तो निगेटिव ही आएगा ना, छोटा में बड़ा को माइनस करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। तो यहां पर हमारा जो वी वी माइनस वी ए होगा वो हमारा प्लस 20 ना होकर हम निगेटिव 20 वोल्ट लेंगे आंसर।
ये आंसर हमारा सही है। इसलिए बोल रहे हैं आप शुरू में निगेटिव साइन मत लो, आप ऐसे करके शुरू में पॉजिटिव मानकर बनाओ और लास्ट में आप डायरेक्शंस खुद ब खुद सोच लोगे कि वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, जैसा कि हम यहाँ बता दिए नोट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि हम प्लस माइनस कैसे लेंगे। शुरुआत में हम केवल पॉजिटिव लेकर चलेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा भी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वाला निकाल लिए, उसके बाद अब देखेंगे कि वो निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में, रियलिटी में। तो वो कैसे चेक होगा, तो नोट वाला पॉइंट से चेक होगा। जैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में हम दूर बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, तो ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा रहा होगा और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम रहा होगा, क्योंकि ये बी पॉइंट ए पॉइंट से दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से दूर जा रहा है। ओके, तो निकालना क्या है, देखो वी वी छोटा है, वी ए बड़ा है, तो छोटा में बड़ा घटा रहे हैं तो निगेटिव ही मिलना चाहिए, तो हमारा आंसर प्लस 20 वोल्ट नहीं आएगा, वी वी माइनस वी ए हमारा माइनस 20 वोल्ट आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलो हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन हमारा था VA माइनस VD, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, VA माइनस VD, यही तो है सेकंड क्वेश्चन ना, हमें ये निकालना है। चलो VA माइनस VD, देखो A यहां पर है, D यहां पर है, इस बार हमको ये देखना है, ये देखना है, देखो ये देखना है, समझ में आ गया होगा ना, A पॉइंट और D पॉइंट देखना है, तो A पॉइंट इधर है और D पॉइंट इधर है। चलो तो सबसे पहले हमारा एक ही काम है, हम डेल्टा V का मोड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब ई कितना दिया है, तो ई दिया है 20 और डेल्टा आर, डेल्टा आर यही तो डेल्टा आर हो जाएगा ना, यही तो डेल्टा आर है, तो एक और कॉस, अब एंगल यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान से देखना थीटा क्या है, किसके किसके बीच एंगल है, ई वैक्टर और डेल्टा आर वैक्टर के बीच एंगल है। देखो ई वैक्टर तो इधर है, ई वैक्टर का डायरेक्शन इधर है और इसके लिए डेल्टा आर वैक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, हाँ है ना, यानी इनके बीच 90 डिग्री बनाना एंगल, ई वेक्टर इधर डेल्टा आर वेक्टर इधर, ई वेक्टर इधर डेल्टा आर वेक्टर इधर, डेल्टा आर वेक्टर उधर होता है ना, जो जिधर पॉइंट जिधर से हम जिधर हम डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जिधर होता है, तो ए से डी की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, यानी डेल्टा आर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री रखेंगे, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो एंगल यहाँ पर कितना हो गया, पहले वाले सवाल में एंगल 0 डिग्री आया था क्योंकि ई वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम था, और इस बार ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर और डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बन गया, तो हमारा कॉस 90 जीरो, तो सारा को ये जीरो कर दिया, यानी यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी डी कितना आ गया, 0 वोल्ट आ गया आंसर। अब सर क्या इसमें आप प्लस माइनस चेक नहीं करोगे, यार 0 आ गया, 0 में प्लस माइनस क्या चेक करना है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन, चलो तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा था वीडी माइनस वीसी निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है, वीडी माइनस वीसी बराबर व्हाट, यानी इस बार हम सी और डी पॉइंट को सोचेंगे, वीडी माइनस वीसी, यानी डी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है, मतलब हमें इसकी इस लाइन के बारे में सोचना है, तो डेल्टा आर तो यही हो गया ना, और डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर ही हो गया और ई वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही हो गया। आप देखो ना, डेल्टा आर यानी डी से सी की ओर जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं ना, डेल्टा आर का वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, मतलब एंगल इनके बीच 0 डिग्री मिलने वाला है। चलो तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, तो मोड डेल्टा वी क्या होता है, पॉजिटिव में होता है ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, तो ई वेक्टर इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा, और यहाँ थीटा आप सभी को पता चल गया कि डेल्टा आर वेक्टर डी से सी, यानी ये लाइन, यानी डेल्टा आर भी इधर और ई वेक्टर भी इधर, तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया। ई कितना दिया है 20, डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर भी तो 1 ही मीटर है ना, 1 और गुना कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 1 × 1, तो 20 वोल्ट। डेल्टा वी का मोड कितना आ गया 20 वोल्ट, क्या हमारा ये आंसर होगा, नहीं, अभी हम चेक करेंगे ये प्लस में ही आएगा या माइनस में आएगा। तो देखो ध्यान से सुनना कि डी से सी की ओर बढ़ रहे हैं हम, किधर बढ़ रहे हैं, डी से सी की ओर। अब ये बताओ, सिंपल सी बात बताओ आप, कि डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा या सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा,
तो डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, चूंकि हम यहां जानते हैं डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा और सी का पोटेंशियल कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने नोट वाला पॉइंट पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे दूर बढ़ते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जैसे जैसे डी पॉइंट से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। तो सी से डी से सी पॉइंट दूर है, इसका मतलब डी का पोटेंशियल ज्यादा रहा और सी का पोटेंशियल कम रहा होगा, यानी वी डी ज्यादा रहा और वी सी कम रहा। हमें निकालना क्या है, वी डी माइनस वी सी ही तो निकालना है, यानी वी डी बड़ा ही है और वी सी छोटा ही है, यानी बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, बड़ा में से छोटा घटाएंगे पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब वी डी माइनस वी सी हमारा प्लस 20 वोल्ट ही आएगा। आई होप आपको प्लस माइनस साइन निकालना आ गया होगा। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, इसके अंदर चौथा सवाल हमारा क्या था, तो चौथा सवाल हमारा था VC माइनस VA। चौथा सवाल इसके अंदर क्या था, चौथा सवाल हमारा था VC माइनस VA बराबर व्हाट। ओके, आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा, लास्ट में जो हम प्लस होगा या माइनस होगा वो निकालने में कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे तो चल रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हम दूर बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। तो आप ये बस देखना कि कौन सा पॉइंट नजदीक है और कौन सा पॉइंट दूर है, जो पॉइंट नजदीक है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और जो पॉइंट दूर है उसका पोटेंशियल कम होगा, बस आपको ये देखना है। चलो, तो VC माइनस VA निकालना है, VC माइनस VA। अब देखो VC C तो यहां है और ये यहां है, इसका मतलब इस बार इस पर गेम खेलना है, इस पर गेम खेलना है। देखो ना, A यहां और C यहां, यानी AC के बीच ही तो निकालना है ना, यानी ये वाला चीज देखना है, यानी डायरेक्शन इस बार लेना है, ये वाला लेना है। तो आप खुद बताओ यार, चलो लगाओ। तो सबसे पहले तो डेल्टा वी निकालोगे, तो ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर लगाओ, तो ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा कितना डिग्री होगा वो इंपॉर्टेंट है, थीटा कितना डिग्री होगा, अरे भाई हमें ए से सी डायगनली खेलना है ना इस बार, यानी ई वैक्टर इधर और डेल्टा आर वैक्टर इधर डायगनली खेलना है, ई वैक्टर इधर डेल्टा आर वैक्टर इधर, E वेक्टर इधर डेल्टा आर वेक्टर इधर, तो ये टोटल 90 डिग्री, तो ये एंगल ही तो हमको लेना है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 90 है तो आधा एंगल हमारा 45 डिग्री, क्योंकि देखो ना सिंपल सी बात है कि E वेक्टर का डायरेक्शन इधर और डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर, हमें यही दोनों डायरेक्शंस तो इनके बीच का ही तो एंगल लेना है, तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, तो E कितना होगा, तो E हमारा है 20, डेल्टा आर तो यही लेंगे ना, डेल्टा आर तो एक ही होगा, डेल्टा आर 1 हो गया। ओके, चलो इनटू ए से सी रखना है, ए से सी रखना है, सॉरी डेल्टा आर भी इस बार चेंज होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस चाहिए ना हमें, ये डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां, तो ये डायगोनल हो गया, ये वन पाइथागोरस लगा कर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 रूट 2, तो यहाँ ये हमारा डेल्टा रूट 2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस लेना है भाई साहब, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये डिस्टेंस ना डेल्टा आर है, तो ये डिस्टेंस हमारा रूट 2 आ गया, पाइथागोरस लगा लो ना, रूट 2, ये 1 तो ये रूट 2 आ जाएगा, और गुना कॉस 45 थीटा 45 डिग्री, ठीक है, तो 20 गुना रूट 2 गुना कॉस 45 का मान 1/√2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, 20 वोल्ट हमारा डेल्टा वी आ गया। पर क्या ये आंसर हो गया, नहीं, अभी हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव में मिलेगा कि निगेटिव में, वो कैसे पता चलेगा, तो नोट वाला पॉइंट से पता चलेगा, जो पॉइंट नजदीक है उसका पोटेंशियल ज्यादा और जो पॉइंट दूर है उसका पोटेंशियल कम, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। तो देखो ए पॉइंट इधर है और सी पॉइंट इधर है, देखो ये हम दूर ही तो जा रहे हैं ना, दूर ही तो जा रहे हैं ना, ए पॉइंट देखो यहाँ है और सी पॉइंट इधर है, तो हम दूर ही तो जा रहे हैं ना, दूर ही जा रहे हैं हम दूर, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और सी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और सी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, यानी हम इधर बढ़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दूर जा रहे हैं इस पॉइंट से, सी पॉइंट की ओर जा रहे हैं ना, तो दूर जा रहे हैं ना, तो VA is greater than VC, यानी VA बड़ा होगा VC छोटा होगा, यहां निकालना क्या है VC minus VA, यहां निकालना क्या था VC minus VA
यानी हम ये बोल सकते हैं कि VA बड़ा रहा होगा और VC छोटा रहा होगा, जबकि हमें छोटे में से बड़ा घटाना है, ये पूछ रहा है। अरे तुम खुद देखो ना, VA बड़ा है, VC छोटा है, यानी छोटा में बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव ही मिलेगा ना, तो ये हमारा 20 वोल्ट पॉजिटिव में नहीं, 20 वोल्ट निगेटिव में आएगा। किस में आएगा? निगेटिव में। आई होप आपको ये इसके अंदर चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे ये भी आपको नोट वाला पॉइंट यूज करके समझ में आ गया होगा। ओके, और सबसे पहले हम लोग डेल्टा वी का मोड निकालेंगे। हम ये सोचेंगे ही नहीं कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, हम पॉजिटिव लेकर शुरू में बात करेंगे। ओके, उसके बाद निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा ये नोट वाला पॉइंट से हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ओके, आई होप आपको एक न्यूमरिकल का चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने दो न्यूमरिकल किया, एक न्यूमरिकल और ले रहे हैं और हमारा केस फर्स्ट का न्यूमरिकल खत्म हो जाएगा। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। फिर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। क्या दिया है? फिर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। चलो तो हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ले रहे हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है जिसका इंटेंसिटी दिया है हमारा 10 वोल्ट पर मीटर। क्या दिया है? 10 वोल्ट पर मीटर दिया है। ओके, और इसके अंदर पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रखा गया था, इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा गया है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा गया है, ए बी सी, और प्रत्येक का भुजा 2 मीटर है। प्रत्येक का भुजा कितना मीटर है? 2 मीटर है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक साइड बराबर होता है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में स्क्वायर रखा गया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा गया है? इस वाले क्वेश्चन में हमारा ट्रायंगल रखा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ओके, और इसमें हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है? तो फाइंड करने बोला है इसके अंदर दो क्वेश्चन फाइंड। पहला बोला है VA माइनस VB, VA माइनस VB बोला है फर्स्ट निकालने, और सेकेंड निकालने बोला है VB माइनस VC, VV माइनस VC। आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट इसके पहले वाला न्यूमेरिकल में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वही सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें भी यूज करेंगे। ओके, तो ईमानदारी से वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाओ, बनना चाहिए। ओके, तो ईमानदारी से वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, कोई नकल नहीं। ओके, चलो। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा और बन भी गया होगा कई लोगों से। चलो हम लोग इसको मिला लेते हैं एक बार कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया। चलो सॉल्यूशंस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? तो पहला क्वेश्चन में हमें निकालना है VA माइनस VB, VA माइनस VB ही निकालना है ना। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आप डेल्टा V का मोड निकालो। तो ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वैक्टर, ई वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वैक्टर, तो ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। अब हमें ए बी के बारे में सोचना है ना, VA माइनस VB पूछा है, यानी हमें इस वाले लाइन के बारे में सोचना है, ये वाला ए पॉइंट यहां, बी पॉइंट यहां, ये वाला सोचना है, ये वाला सोचना है, ये वाला, इस लाइन पे खेलना है ना तुमको, तो बाकी लाइन से मतलब नहीं, इस लाइन पे खेलना है। अब तुम देखो, सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सा बताओ, यहां तो पहले डेल्टा वी निकालो आग बंद करके, डेल्टा वी का मोड जो भी आए, पॉजिटिव या जो भी आए। ई कितना है? ई है 10। डेल्टा आर कितना है? डेल्टा आर 2 मीटर है ना भाई, यही तो डेल्टा आर हो गया, यही तो हमारा डेल्टा आर हो गया, डेल्टा आर, यही तो हमारा डेल्टा आर हो गया ना, कितना? 2। कॉस, अब एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा इस बात पे आपको ध्यान देना है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एंगल कितना होगा? आप खुद देखो कि अगर हम बात कर रहे हैं डेल्टा आर का डायरेक्शन, डेल्टा आर का डायरेक्शन किधर से, डेल्टा आर का डायरेक्शन, चलो बी से ए की ओर लेते हैं डेल्टा आर का डायरेक्शन। तो देखो, तो डेल्टा आर का डायरेक्शन ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। देखो ना यार, डेल्टा आर का डायरेक्शन ये हो गया,
इस लाइन पर ही तो लेना है ना डेल्टा आर का डायरेक्शन, तो डेल्टा आर का डायरेक्शन इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। बताओ कितना एंगल बना, 60 डिग्री एंगल बना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री एंगल बना। डेल्टा आर इसी लाइन पर लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यानी दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हुआ ना, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो 10 दुना 20, कॉस 60 का मान 1/2 होता है ना, कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 20 गया कितना 10 वोल्ट, यानी डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट आया। क्या आंसर होगा? नहीं, अभी हमको चेक करना है कि ये पॉजिटिव में ही आएगा या फिर निगेटिव में आएगा, यानी हमें निकालना है VA माइनस VB। अब आप ये बता दो, सिंपल बता दो आप कि B पॉइंट नजदीक है कि A पॉइंट नजदीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, तो ऑफ कोर्स B पॉइंट नजदीक है, B पॉइंट से A पॉइंट दूर है। देखो ना, B पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट इधर है, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दूर जा रहे हैं। आप लोग बता सकते हो ना कि B का पोटेंशियल ज्यादा होगा और A का पोटेंशियल कम होगा, यानी यहाँ हम बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं कि B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का पोटेंशियल कम होगा। तो देखो हमें कम में से ज्यादा घटाना है, देखो ना हमें ये ए का पोटेंशियल कम है ना और बी का पोटेंशियल ज्यादा, कैसे पता चला? बी नजदीक है, ए दूर है, ए और बी, बी और ए में कौन दूर है कौन नजदीक है, तो ये हमारा बी जो है वो नजदीक है और ए हमारा दूर है, दूर जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, तो बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का पोटेंशियल कम होगा, तो बी इज ग्रेटर देन वी है, वीवी इज ग्रेटर देन वी है। अब बताओ ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे में बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव ही आएगा ना, तो प्लस 10 वोल्ट ना आकर के माइनस 10 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। आई होप आपको ये आपसे बन गया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा माइनस 10 वोल्ट। ओके, जिनसे नहीं बना वो उतार ले, रफ कर ले। ओके चलो, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, इसका सेकंड पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देखो, सेकंड में हमसे क्या पूछा है, वीवी माइनस वीसी, वीवी माइनस वीसी बराबर व्हाट। ओके, सबसे पहले आग बंद करके डेल्टा वी निकालो, ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। ओके, तो ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा, इतना तक तो कर सकते हो। अब देखो ई कितना है, तो ई है 10, डेल्टा आर तो 1 ही होना है। अरे देखो ना, बी सी के बीच निकालना, बी सी ये है, इस लाइन पर इस बार खेलना है, BC वाले लाइन पे खेलना है ना आपको, BC वाले लाइन पे, तो ये हमारा डेल्टा आर वेक्टर हो गया, दो मीटर, कितना मीटर हो गया, 2 मीटर। ओके चल, अब कॉस थीटा कितना होगा, अरे भाई इस लाइन पर आप देखो डेल्टा आर का जो डेल्टा आर का डायरेक्शन भी यही है और ई वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है, डेल्टा आर भी इधर ही है, ई वेक्टर भी इधर ही है, तो इसके बीच एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान 1, तो 10 × 20 × 1 तो 20, डेल्टा भी कितना हो गया 20। अब ये निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, इस बात का थोड़ा पुष्टि कर ले, ठीक है। हमें पूछा गया है वीवी माइनस वीसी, हमें क्या पूछा गया है, वीवी माइनस वीसी। अब ये निगेटिव में 20 आएगा या पॉजिटिव में 20 आएगा, ये डिसाइड कर लेते हैं। अब बताओ कि बी से सी, बी नजदीक है कि सी नजदीक है, ऑफकोर्स बी नजदीक है, तो बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सी का पोटेंशियल कम होगा, और हमें ज्यादा में से कम ही पूछ रहा है, यानी प्लस 20 वोल्ट ही होगा। ओके, क्यों? क्योंकि वीवी इज ग्रेटर देन वीसी, यानी बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सी का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि बी नजदीक है, सी दूर है, तो वीवी बड़ा होगा, वीसी छोटा होगा, तो बड़ा में छोटा ही तो पूछ रहा है, यानी प्लस 20 का प्लस 20 ही तो हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इनका थ्योरी समझ में आ गया होगा, इनका न्यूमेरिकल जो हमने 3-4 न्यूमेरिकल करवाया वो समझ में आ गया होगा। अब आप अपने बुक से न्यूमेरिकल बना सकते हो, ABC बुक हो, NCERT बुक हो, किसी से भी मन करे आप बना सकते हो, SC वर्मा से बना सकते हो। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, बट अभी एक केस फर्स्ट का हुआ है, केस 2 इसका बाकी है, हालांकि ज्यादातर केस 1 से ही आते हैं सवाल, पर केस 2 भी हमारे सिलेबस में। तो आज इतना ही, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 1 घंटा क्रॉस कर चुका है, यानी तो इस पार्ट में अब संभव नहीं है कि हम केस 2 भी ले, तो जो भी नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा मेरा, उसमें हम लोग सेकेंड केस लेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर केस 2 का बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और देखेंगे कि रिलेशंस क्या आता है। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।